चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आखिरी दिन आज दोपहर 3 बजे समिट का समापन सत्र होगा। बड़े उद्योगपतियों से सीएम शिवराज चर्चा करेंगे। रायपुर में सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी। आज सिहावा में अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। सिहावा को कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। बड़वानी जिला अस्पताल में एक महिला ने 2 जुड़वा बालिकाओं को जन्म दिया, जिनका शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन से हुई डिलीवरी में बच्चियों को देखकर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी हैरान रह गए। इटारसी में सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत। स्कूल के कमरों का सीमेंट फर्श जगह जगह से उखड़ रहा है और तो और यहाँ शिक्षक भी घंटों गायब रहते हैं। ग्वालियर में अतिथि विद्वानों का आंदोलन जारी। अतिथि विद्वानों ने फूलबाग चौराहे पर भेलपुरी बेची, कहा घर चलाने के लिए कुछ तो करना होगा। सरकार से नियमितीकरण की 7 अन्य मांगों की गुहार की। रायपुर में हेलमेट जागरूकता के लिए निकाली गई बाइक रैली। कलेक्ट्रेट चौक में विधायक कुलदीप जुनेजा, कलेक्टर और SSP प्रशांत अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। भोपाल में ठेकेदार ने पूरे परिवार के साथ खाया जहर। परिवार के 6 सदस्यों ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती। परिवार के सभी सदस्य खतरे के बाहर। खजूरी थाना क्षेत्र के बैरागढ़ की घटना। विदिशा में समरपुर बाल विहार में अवैध रूप से गोदान में शराब रखने पर कार्रवाई। आबकारी विभाग ने अवैध रूप से शराब रखने के मामले में कार्रवाई करते हुए 380 से ज्यादा पेटियां शराब की जब्त। जबलपुर में बेखौफ बदमाश ने दुकान संचालक को मारी गोली। सट्टा पकड़वाने के शक में दुकानदार को मारी गोली। फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिलासपुर में बच्चों को क्रिकेट में सिलेक्ट कराने और नौकरी लगाने के नाम पर करीब 60 लाख रुपए की ठगी। परिजनों ने तोड़वा इलाके के प्राइम अकेडमी के कोच और डायरेक्टर के खिलाफ की शिकायत। सूरजपुर के प्रेमनगर में मिला भालू का शव। भालू के कई अंग गायब बताए जा रहे हैं। वन विभाग ने शुरू की मामले की जांच। जबलपुर में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। नोएडा के प्राइवेट फर्म में करती थी काम। कोरोना के बाद से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी युवती। बालोद के दलीराजहरा में तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत। पालतू पशुओं को अपना शिकार बना रहा तेंदुआ। सीसीटीवी में कैद हुई तेंदुए की मूवमेंट। जशपुर में 12 हाथी के दल ने दी दस्तक। हाथियों को गांव से खदेड़ने के वक्त कुएं में गिरा एक हाथी, जिसका JCB से किया गया रेस्क्यू। हाथियों ने एक ग्रामीण को भी किया घायल। शहडोल में बेकाबू होकर गड्ढे में गिरी बाइक। हादसे में एक की मौत, 2 लोग हुए घायल। मितौली के जंगल के पास हुआ हादसा। ग्वालियर में चोरों ने 2 ATM मशीन को बनाया निशाना। 3 से 4 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। ग्वालियर में चलती ट्रक में लगी आग। ट्रक में लदा सामान जलकर हुआ राख। भोपाल से ग्वालियर जा रहा था ट्रक। शिवपुरी में जैन मंदिर से अष्ट धातु से बनी 2 मूर्तियां हुई चोरी। कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस।